Myself Dr. Anand Palsen Kushwa. Today we are going to discuss stomach. First year anatomy में 20 marks में पूछने वाला सबसे important topic. Stomach को हम लोग following points में हम लोग define कर सकते हैं. Definition, location, shape, size and capacity. External features में 2 orifices, 2 curvature, 2 surfaces, 2 parts. 2 parts again subdivide हुए 2 and 2. Then relations of the stomach. इसके अंदर ये जो स्टमक बेड है अगेन एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछा जाता है सेपरेटली. ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक अगेन पूछा जाता है. लिम्फेटिक ड्रेनेज, नर्व सप्लाई, हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक एंड अप्लाइड एनाटॉमी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं. डेफिनेशन, इट इज अ मस्कुलर बैग कनेक्टेड अबव द लोअर एंड ऑफ इसोफेगस एंड बिलो द डियोडिनम. सो ये मस्कुलर बैग होता है जो कि इसोफेगस के लोअर एंड पे कनेक्ट होता है और बिलो द डियोडिनम. देन लोकेशन, लोकेशन में एब्डोमेन के 9 क्वाड्रेंट में कहाँ पे होता है ये, तो एपिगेस्टम रीजन में, देन अम्बिलिकल रीजन, देन लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में ये होता है. थर्ड वन इज शेप, स्टमक का शेप कैसा होता है. तो जब ये एम्प्टी होता है, एम्प्टी स्टमक में जे शेप होता है, वर्टिकली होता है. इन ओबेस पर्सन ये हॉरिजेंटल रहता है व्हेन पार्शियली डिस्टेंडेड पायरीफॉर्म इन शेप. नेक्स्ट वन इज साइज एंड कैपेसिटी, स्टमक की साइज कैसी होती है. 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, कैपेसिटी 30 ml एट बर्थ, 1 लीटर एट प्यूबर्टी एंड 2 and 2.5 लीटर एट यंग एज. एक्सटर्नल फीचर्स में 2 ओरिफाइस, कार्डियक ओरिफाइस, पायलोरिक ओरिफाइस, 2 कर्वेचर, लेजर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर, 2 पार्ट्स, कार्डियक पार्ट, पायलोरिक पार्ट. कार्डियक पार्ट अगेन सब डिवाइड हुआ फंडस इन बॉडी में, पायलोरिक पार्ट अगेन सब डिवाइड हुआ पायलोरिक एंट्रम में, पायलोरिक केनाल एंड पायलोरस में. 2 सर्फेसेस, 1 इज एंटीरियर सर्फेस, 1 इज पोस्टीरियर सर्फेस. अगर हम इस डायग्राम में देखें तो डायग्राम में पूरा डिफाइन किया हुआ है, ग्रेटर कर्वेचर, लेजर कर्वेचर, कार्डियक हेड, फंडस, बॉडी, पाइलोरिक एंट्रम, पाइलोरिक केनल, पाइलोरस. तो नीचे हमने इसे हेडिंग दिया एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द स्टमक. नेक्स्ट है रिलेशंस ऑफ द स्टमक. इसमें सेपरेटली आपको एग्जाम पूछा जाएगा स्टमक बेड 5 मार्क्स में, तो वहां पे आपको स्टमक को आपको ड्रॉ करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टमक, स्टमक देन ग्रेटर कर्वेचर, लेजर कर्वेचर. सो स्टमक के नीचे कंटिन्यूशन रहता है डियोडिनम का, सी शेप डियोडिनम. सी शेप डियोडिनम के अंदर पेंक्रियास का हेड इसके अंदर सिचुएटेड रहता है. पेंक्रियास की टेल पे स्पिन आपकी कनेक्टेड रहती है और डियोडिनम के नीचे ही यहाँ पे ट्रांसवर्स कोलोन, ट्रांसवर्स मिजो कोलोन एंड स्प्लेनिक फ्लेक्सर कोलोन, राइट. सो स्टमक के पीछे की साइड में पोस्टरली देखें तो यहाँ पे लेफ्ट किडनी और लेफ्ट सुप्राइनल ग्लैंड कनेक्ट रहता है. स्टमक के नीचे यहाँ पे डायफ्राम, एरिया रिलेटेड टू द डायफ्राम रहता है. यहाँ पे आर्टेरियल सप्लाई में सीलिएक ट्रंक और कोलेक ट्रंक यहाँ सिचुएटेड रहता है. वहां से एक आर्टरी जाती है जो स्प्लीन को सप्लाई करती है, जिसे हम स्प्लेनिक आर्टरी बोलते हैं, राइट. सो इसके अंदर जितने भी हमने नेम मेंशन किया उन सभी को आप नीचे आप कंटेंट हेडिंग डाल के आप यहाँ मेंशन कर सकते हो. डायफ्राम, लेफ्ट किडनी, लेफ्ट सुप्राइनल ग्लैंड, सीलिएक ट्रंक, स्प्लेनिक आर्टरी, स्प्लीन, पेंक्रियास, ट्रांसवर्स मिजो कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, स्प्लेनिक फ्लेक्सर ऑफ द कोलोन. अवेलेबल डायग्राम ऑफ स्टमक बेड, राइट. नेक्स्ट डायग्राम आपका रिलेशन ऑफ द स्टमक के अंदर आप लोग को वही मेंशन करना होगा पेरिटोनल रिलेशन. सो स्टमक में जो लेजर कर्वेचर होता है वो कंटिन्यूअस विद द लेजर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर रहता है कंटिन्यूअस विद द ग्रेटर ओमेंटम, राइट. सो लेजर कर्वेचर कंटिन्यू विद द लेजर ओमेंटम, ग्रेटर कर्वेचर कंटिन्यू विद द ग्रेटर ओमेंटम. देन नेक्स्ट पॉइंट है ब्लड सप्लाई ऑफ द स्टमक. स्टमक का ब्लड सप्लाई कहाँ कहाँ पे होता है, तो ग्रेटर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर आपको सप्लाई होता है लेफ्ट गैस्ट्रो एपिपोलिक आर्टरी का, और लेजर कर्वेचर सप्लाई होता है सीलेक्ट ट्रंक का, देन लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी का. तो लेफ्ट लेजर कर्वेचर पर सप्लाई कहाँ कहाँ से होता है, तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ये ब्रांच होती है सीलेक्ट ट्रंक की, अगेन लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ब्रांच होती है प्रॉपर हिपेटिक आर्टरी की. नेक्स्ट ग्रेटर कर्वेचर सप्लाइड बाय राइट गैस्ट्रो एपिपोलिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिपोलिक आर्टरी. फंडस, पर्टिकुलर फंडस सप्लाई होता है 5 to 7 गैस्ट्रिक आर्टरीज का, ब्रांचेस ऑफ स्प्लेनिक आर्टरी. लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ स्टमक 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है, ए बी सी एंड डी. सो पर्टिकुलर ए जो एरिया नंबर होता है वो होता है पेंक्रियाटिक स्प्लेनिक नोड्स, एरिया नंबर बी लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड्स, एरिया नंबर सी राइट गैस्ट्रो एपिपोलिक नोड्स, एरिया नंबर डी सीलेक्ट ट्रंक एंड हिपेटिक नोड्स. नर्व सप्लाई, स्प्लीन में नर्व सप्लाई होता है सिंपैथेटिक नर्व का, पैरासिंपैथेटिक नर्व का. सो इसे हम लोगों ने एंटीरियर एंड पोस्टीरियर 2 डिवीजन में हम लोगों ने इसे डिफाइन कर दिया. सो अगर हम इसे एंटीरियरली देखें तो एंटीरियर में एंट्रिक गैस्ट्रिक नर्व जो होती है वो देन हिपेटिक ब्रांच, पाइलोरिक ब्रांच और एंटीरियर नर्व ऑफ द लेटर जेट. पोस्टीरियरली देखें तो पोस्टीरियर गैस्ट्रिक आर्टरी में सीलिएक ब्रांच एंड सीलिएक गैंग्लियन, पोस्टीरियर नर्व ऑफ लेटर जेट. ये इसका नर्व सप्लाई स्टमक होता है ए एंड बी, ए एंटीरियर गैस्ट्रिक नर्व, बी पोस्टीरियर गैस्ट्रिक नर्व. देन हिस्टोलॉजी ऑफ द स्टमक, ये एग्जाम में सेपरेटली भी पूछा जाता है हिस्टोलॉजी क्या है. तो गैस्ट्रिक म्यूकोसा डिवाइड होती है 2 फॉर्म में, सुपरफिशियल
foveolar compartment and deep glandular compartment. Next, applied anatomy. So aspirin ke applied anatomy aapko mention karna hai. Gastric ulcer occurs lesser curvature, peptic ulcers occurs greater curvature, peptic ulcers commonly in blood group O. Gastric ulcers causes, yahan pe hari vari kari, hari vari and spicy curry, jo person ke andar hari vari curry tino form hote hain, unhe gastric ulcer jyada hota hai. Then gastric carcinoma more commonly in greater curvature. So ye aap log ko isme mention karna hai. Again one summarize: content, definition, location, shape, size and capacity, external features, 2-2-2-2, 2 orifices, 2 curvature, 2 surface, 2 parts. 2 parts again divide 2-2. Relation of the stomach with stomach bed, blood supply, lymphatic drainage, narrow supply, histology of stomach and applied anatomy. Thank you.